अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पत्ता गोभी के कोफ्ते की रेसिपी। और इसको बनाना जितना आसान है उतना ही ज़्यादा टेस्ट में ये अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनता है पत्ता गोभी के कोफ्ते और क्या क्या है इसके इन्ग्रीडियंट्स। तो फ्रेंड्स, पत्ता गोभी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा कैबेज ले लिया था और जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और ये कोफ्ते बनाने के टाइम आप ये बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो भी आप सब्ज़ी से इसे बना रहे हैं उसको आप काफ़ी अच्छे से एकदम कद्दूकस करिए, बड़ा लच्छा नहीं होना चाहिए। तो मैंने एकदम महीन से कद्दूकस से इसे कद्दूकस करके रख लिया है और थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का पानी था मैंने साइड से निकाल दिया है इसमें। तो अब मैं डालूंगी इसमें कुछ सूखे मसाले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो कुटी हुई अदरक और कुटी हुई लहसुन भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर। उसके साथ ही मैंने इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। एक चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर। उसके साथ मैंने आधा चम्मच डाला है गरम मसाला पाउडर। और अब लास्ट में मैं डालूंगी इसमें बेसन। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बेसन के लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि पत्ता गोभी पानी काफ़ी छोड़ता है तो इसीलिए हमको जो है बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी होती है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ हरा धनिया। और उसके बाद इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने अभी नमक नहीं डाला है क्योंकि जब मैं देख लूँगी कि ये अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें अब और बेसन की ज़रूरत नहीं है तब लास्ट में मैं नमक डालूँगी। और यहाँ देखिए मिक्स कर लिया है मैंने, तो अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। और मुझे जो है थोड़ा सा और इसमें बेसन डालने की ज़रूरत है तो मैंने 1 चम्मच और बेसन डाला है। साथ ही मैंने भुना हुआ ज़ीरा भी डाला था, मैं वो डालना भूल गई थी। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी फ्रेंड। और ये देखिए, ये एकदम सूखा जो है रेडी हो गया है पत्ता गोभी का। तो अब मैं अपने हाथों को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लूंगी और उसके बाद छोटे छोटे इसके इस तरीके से बॉल्स बना लूंगी। और उसको बॉल्स बना बना के मैं रखूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने बेसन अच्छे से डाला है तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, बहुत आसानी से ये बॉल्स बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना कर रखूँगी। आप चाहे तो कोई दूसरा शेप भी दे सकते हैं इसे, जैसे कबाब का शेप भी दे सकते हैं चिपटा हुआ, लेकिन मुझे तो ये बॉल्स कोफ्ते मीन्स ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो मैं इसीलिए बॉल का शेप दे रही हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने सारे बॉल्स बना के रख लिए हैं और बहुत ही परफेक्ट शेप में सब बने हैं, बिल्कुल भी बिगड़े नहीं, क्योंकि इसका जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो ही काफ़ी सूखा था, अच्छा था। तो अब मैंने चढ़ा लिया एक कढ़ाई जिसमें मैंने डाल दिया है ऑयल और मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब एक एक बॉल जो है मैं कोफ्ते उठाऊँगी और इसमें डाल दूँगी। और मैंने जो है फ्लेम वो मीडियम रखा है क्योंकि हमें हाई फ्लेम पर इसे नहीं फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ही पक पाएगा, इसलिए मैं इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी। और आराम से फ्राई करना है फ्रेंड्स ताकि ये कोफ्ते टूटे नहीं। तो मैंने अभी जो है सारे कोफ्ते डाल दिए हैं और इसे मैं हल्के हाथों से बीच बीच में चलाती रहूँगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सारे कोफ्ते के कलर चेंज हो गए हैं और कितना प्यारा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है ये। और हल्का सा मैं और इसको एक दो जो है वो पके नहीं है तो उनको अच्छे से फ्राई करूँगी और जो लग रहे हैं कि पक गए उनको मैं निकाल के प्लेट में रख लेती हूँ साइड में। तो ये अभी भी थोड़े बहुत कुछ कुछ रह गए हैं, बाकी तो हो गए लेकिन कुछ कुछ रह गए, तो मैं एक एक करके उनको साइड से निकाल ही लेती हूँ तो ज़्यादा सही होगा, नहीं तो ये जल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं और मैंने सबको प्लेट में निकाल के रख दिया है ठंडा होने के लिए। और अब मुझे रेडी करना है इसका ग्रेवी। तो मैंने जिस कढ़ाई में इसे फ्राई किया था उसी कढ़ाई में मैं ग्रेवी रेडी करने वाली हूँ। तो मैंने तेल गरम करके रखा ही था फ्रेंड्स, उसमें मैंने डाल दिया है कुछ साबुत मसाले जिसमें मैंने एक तेज़पत्ता, दो छोटी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है। और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज और एक टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है फ्रेंड्स, फाइन एकदम। और इसको कम से कम मैं 1.5 से 2 मिनट तक भूनूंगी प्याज को, ताकि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मुझे मैं मसाले ना बहुत काफ़ी कम डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि जो कोफ्ते का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से बढ़कर आए। तो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें। और उसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी नमक डाले हैं तो हमें काफ़ी कम नमक डालना है ग्रेवी में। और मैंने सारी चीज़ें भी मिला ली है फ्रेंड्स, और मैं इसे अभी कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी, ताकि सारे मसाले का कच्चापन चला जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मिनट हो चुके थे और देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, साइड्स में ऑयल भी दिख रहा है, मतलब ये पूरा अच्छे से भुन गया है, अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब लगा दूंगी इसमें ग्रेवी जितना मुझे चाहिए। तो मैं इसमें डाल दूंगी कम से कम 1 कप पानी, और उसके बाद इसे फिर से मैं हाई फ्लेम पे कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी फ्रेंड्स, जब तक ये बॉईल होता है तब तक। तो मुझे ज़्यादा एकदम पतला ग्रेवी नहीं चाहिए, तो मैंने अब पानी डाल दिया है और मैं ढक्कन फिर से लगाकर इसे कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गए थे और एकदम जो ग्रेवी है वो अच्छे से बॉईल होने लगा है। तो बस अब इसी टाइम मैं डाल दूंगी कोफ्ते जो मैंने फ्राई करके रखे थे। तो मैं एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें डाल दूंगी और कम से कम इसे मैं कोफ्ते के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि कोफ्ते के अंदर अंदर जो ग्रेवी है अच्छे से चली जाए और कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट कोफ्ते ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी कर। फ्रेंड्स उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया जो मैंने कट करके रखा था, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाले, क्योंकि मसाला मेरा बिल्कुल रेडी है और कोफ्ते में सिर्फ ग्रेवी जाना बाकी है। तो मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी, ताकि ये लास्ट मोमेंट पे ये भी पक जाए अच्छे से। तो ये सब डालने के बाद मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे ग्रेवी में, और उसके बाद इसको ढक कर 3 मिनट तक पकाऊँगी। तो फ्रेंड्स 3 मिनट हो गए थे और देखिए कोफ्ते कितने अच्छे पक गए हैं बिल्कुल, और ये अच्छे से पक गए, एकदम फुल गए हैं, मतलब कोफ्ते बहुत अच्छे से अंदर ग्रेवी चली गई है कोफ्तों के। तो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट भी दिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो एकदम रेडी है पत्ता गोभी के कोफ्ते, और ग्रेवी भी एकदम अच्छी है। अब मुझे इसको और ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो बस यहीं पर मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ। और आपको ये पत्ते गोभी का जो कोफ्ते की रेसिपी है कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। और उसके साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर ट्राई कीजिए इस पत्ता गोभी के कोफ्ते की रेसिपी को, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।